बीमा वाक्य है। आज अव्यक्त मुरली है और डिवाइस है 6186। मुरली का सार है संगम युग, जमा करने का युग। आज बहुत ही प्यारी मुरली है, बहुत ध्यान से सुनने वाली है। संगम युग कैसे जमा करने का युग है, इसमें बाबा ने सारा एक्सप्लेन किया है। आज सर्व बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा के खाते को देख रहे हैं। ये तो सभी जानते ही हो, सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय कौन सा है? सिर्फ संगम युग है। बाबा कह रहे छोटा सा युग है, छोटी सी जीवन है, जीवन भी छोटी और युग भी छोटा सा है, लेकिन इस युग इस जीवन की विशेषता है जो अब जितना जमा करना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण बाबा कहते पूज्य पद भी पाते हैं और फिर पूज्य पद भी मिलेगा और पूज्य से पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का और श्रेष्ठ गुणों का, इस समय श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का और श्रेष्ठ गुणों का, सभी श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का खाता अलग काल का, अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और अभी अभी खत्म हो गया। भक्ति का खाता अलग काल का है, इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खा लिया। भावने का द्वापर से भक्ति शुरू हुई और जो भी हम करते आए और अभी अभी किया और अभी अभी उसको उसका फल मिल गया, उसको हमने खा लिया। लेकिन जमा करने का अविनाशी खाता तो जन्म जन्म चलता रहे, वे अविनाशी खाते जमा करने का समय अभी है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग भी कहते हैं। अंडरलाइन करने वाली बात है, इस समय के युग को क्या कहते हैं? धर्माऊ युग भी कहते हैं और जमा करने के युग भी कहते हैं, पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। परमात्मा अवतरण युग कहा जाता है, डायरेक्ट बाबा के द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग का यही समय गाया हुआ है। इस युग में ही बाबा विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं, इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहते हैं। इस युग में स्नेह के कारण बाबा भोले भंडारी बन जाते हैं। क्या बनते हैं बाबा? वरदान देते हैं बाबा। अभी देखो कितनी बातें बाबा ने बताई, इस युग को पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं, धर्माऊ युग भी कहते हैं, वरदानी युग भी कहते हैं, और बाबा स्नेह के कारण है तो भोले भंडारी बन जाते हैं, जो हमें एक का पदम गुना फल देते हैं। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है, और युगों में जितना और उतना का हिसाब होता है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा यही युग ऐसा युग है जिसमें बाबा ने कहा थोड़ा भी करते हैं तो और पदम गुना प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा ने कहा कितना अंतर हो गया और युगों की अपेक्षा इस युग का, बाबा ने कहा संगम युग का समय का कितना फर्क है, कितना अंतर है। वहां जितना करेंगे उतना पाएंगे, अभी अभी करेंगे अभी अभी पाएंगे, और यहाँ बाबा ने कहा जितना करते हैं तो पदम गुना की प्राप्ति हो जाती है।
ये भी अंतर हुआ क्योंकि अभी डायरेक्ट बाबा वरसे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाबा हम बच्चों को वर्षा भी दे रहे हैं और अभी वरदान भी दे रहे हैं। भक्ति में तो भावना का फल मिलता है, भक्ति में भावना का फल मिलता है और अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जानकर, प्राप्तियों को जानकर और जमा के हिसाब को जानकर त्रिकालदर्शी बन हर कदम को उठाते हो। बाबा ने क्या कहा? अभी समय के महत्व को, समय देखो, कौन सा समय चल रहा है, कैसा समय चल रहा है, कितनी प्राप्तियां हो रही है। तो बाबा ने कहा, उस हिसाब को देख करके क्या हम अपने आदि मध्य अंत के तीनों स्वरूप को देख करके कदम उठाते हैं? इस समय का 1 सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है, वे तो जानते हो ना। बाबा ने कहा, यहाँ का 1 सेकंड 1 वर्ष के समान बाबा कहते हैं। तो यह साधारण रीति से कुछ कमा लिया और कुछ गंवा लिया, ऐसा तो नहीं है? ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हैं कि चलो कुछ कमा लिया और कुछ गंवा लिया, कोई फर्क नहीं उसमें। तो बाबा ने कहा, ऐसा तो नहीं करते हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने हैं, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी ना किसी स्वभाव संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बन जाती है, राज्य अधिकारी नहीं बनती है, क्योंकि अधीन है ना, और तो अधीनता वाला राजा नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, क्या बन जाते हैं? प्रजा पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, प्रजा पद अधिकारी बनते बनने क्या आए हैं? इस समय हमारा टाइटल क्या है, हमारा सम्मान क्या है? बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं संगम में, वो तुम कौन हो? क्योंकि अभी तो ना प्रजा पद प्रजा अधिकारी कहेंगे ना राजा कहेंगे, अभी क्या कहते हैं हम अपने आप को? हम राजयोगी हैं, राजा बनने का ये योग कर रहे हैं, राजा बनने, खुद पर राज्य करने, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, खुद पर राज्य करने का, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने का, उसको राजयोगी कहते हैं। जो बाबा ने कहा हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं था, वो बाबा ने सारे राज हम बच्चों के लिए खोल दिए। तो क्या बन गए? सारे राजों को जानने वाले बन गए। तो क्या बन रहे अभी? राज्य अधिकारी। तो राजयोगी हैं, राज्य अधिकारी हैं, लेकिन अधीनता के संस्कार होने के कारण, लेकिन बाबा ने क्या कहा, अधीनता के संस्कार होने के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा ये चेक करो कि स्व अधिकारी हम अभी कहाँ तक बने हैं। मुख्य बात है स्व पर अधिकार करना, और स्व पर अधिकार अभी तक बाबा ने कहा, देखो द्वापर युग से हम दूसरों के ऊपर अधिकार जमाते आए हैं, इसमें और मेरे के चक्कर में पड़े रहे। लेकिन बाबा ने कहा, अभी ये जो समय है वो समय बाबा कहते हैं कि किसी के ऊपर अधिकार नहीं हम कर सकते, हमें किसके ऊपर अधिकारी बनना है? अभी स्वयं के ऊपर अधिकारी, सर्व अपनी स्वयं की कर्मेंद्रियों के ऊपर अभी अधिकार रूप में उनको चलाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि
क्या कहा, सो पर अधिकार नहीं पा सकते हैं, तो विश्व पर राज्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे? जो सो अधिकारी नहीं बने, वो बाबा ने कहा विश्व का राज्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे? विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल। अभी स्व राज्य अधिकारी बनने से तैयार होगा। जैसे कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हैं ना, तो बाबा ने कहा इस मॉडल को भी देखो, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो बाबा ने कहा अभी उसको देखने का पुरुषार्थ करो, तो उसके लिए पहले बाबा ने कहा स्वयं का ही मॉडल बनाना होगा ना। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। तो बाबा ने के अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, आंख मुख कान, तो बाबा ने कहा ये क्या है, मुख्य कर्मेंद्रिय है ना, तो इनके ऊपर क्या बनना, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर खुद को क्या बनाना है, ये हमारी प्रजा है, ये कर्मेंद्रिय हमारी प्रजा है, उसके ऊपर हम क्या है, मैं आत्मा राजा। तो बाबा ने कहा ऐसा राजा बनना, प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है। बाबा कह रहे कर्मेंद्रियां आपको चलाती हैं या आप अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते हैं, ये तो जान सकते हो। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहला सकते। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे, प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्मेंद्रिय अगर धोखा दे रही है तो क्या नहीं होगा, तो स्वाधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, कभी-कभी बच्चे अपने आप को चला लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर एक कर्मेंद्रिया धोखा दे भी रही है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बाकी तो मेरी सभी ठीक है ना। जैसे मेरा, मैं रूहानी दृष्टि से तो देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि तो रूहानी है, मेरे कान तो बहुत ज्ञान ही सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, लेकिन मेरा मुख पर अधिकार नहीं है, मेरी अन्य कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं है। तो बाबा ने कहा तो इसलिए क्या नहीं करना, ये नहीं सोचना कि कोई कमजोरी है तो क्या हुआ, संपूर्ण तो हम लास्ट में बनेंगे, लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी समय पर धोखा दे देगी। बहुत काल के अधीनता वाले संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे, इसलिए अधिकारी अर्थात स्व पर अधिकार करना, अंत में संपूर्ण हो जाएंगे, इस धोखे में नहीं रहना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार ही बहुत काल के विश्व का अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्व राज्य अधिकारी फिर थोड़े समय के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता के आज्ञा फरमान बाबा के दिल तक नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तक नशीन बनेंगे। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तक नशीन बनना। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तक नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न और समान बने ना, ऐसे संपूर्ण और समान बनो, राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा या वरदान को कम, पावन का कम प्राप्त नहीं करना। कोई भी प्रकार का अलबेलापन आया, कोई भी प्रकार की कमजोरी आई, तो बाबा ने कहा बाबा से जो अधिकार हो है वो हमारा वरदान है, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना। तो जमा का खाता चेक करो, नया वर्ष शुरू हो गया, पिछला खाता चेक करो, नया खाता समय और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करना। बाबा ने क्या कहा,
जो नया खाता है वो समय और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। सिर्फ कमा लिया खा लिया ऐसा खाता नहीं बनाओ। बाबा ने कहा थोड़ा योग लगा लिया, चलो ठीक है, मुरली सुन ली तो समझ लो बाबा ने कहा कमाया भी और साथ में खा लिया। अमृत, जैसे अमृत वेले हमने योग लगाया, चलो अच्छा हमारा जमा हो गया, क्लास में हमने मुरली सुनी स्टडी किया तो वो भी हमारा जमा हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, सारे दिन में परिस्थितियां कोई आ गई, कोई परिस्थितियों के वश में आए तो माया का वार हुआ, माया के वार के वश ही होगा जो भी कुछ होगा, माया के वार के वश, अपने संस्कारों के वश, विशेष अंडरलाइन करने वाली बात है, कोई परिस्थितियों के वश कोई परिस्थिति आ गई, माया का वार हुआ कोई, और फिर कोई संस्कारों के वश जो जमा किया वे युद्ध करते विजयी बनने में खर्च कर दिया। कोई बात आ गई और फिर उसमें संघर्ष जो होता है, तो उसमें क्या था, जो भी जमा किया था, सुबह हमने मुरली सुनी अमृत वेले किया, हो सकता है 1-2 घंटा योग भी किया, लेकिन वो क्या हुआ, वो सारी एनर्जी हमारी कहाँ गई, जरा सी कोई बात आई और उसमें हमने उसको खर्च कर दिया, तो रिजल्ट क्या निकलेगी, कमाया और खा लिया, और जमा क्या हुआ, कहेंगे कि हमारा जमा हुआ कुछ। इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और उस जमा के खाते को बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं कर दो, क्योंकि आजकल बाबा रोज मुरली में चार्ट लिखने के लिए कह रहे हैं और बच्चे चार्ट लिख भी रहे हैं, तो बाबा ने कहा उसमें क्या करते हैं, उसमें लिखा होता है ना राइट रॉन्ग ये सब लिखा होता है, और हम क्या करते रहते हैं, योग किया तो लिख देते हैं हाँ किया, चार्ट में यस कर देंगे, यस कर दिया उसमें, और फिर कहेंगे योग किया मुरली सुनी तो आगे लिखेंगे हाँ जी। तो बाबा ने कहा ऐसे ही राइट नहीं कर दो, योग किया मुरली सुनी, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग के समय के प्रमाण रहना चाहिए, क्या वैसा हुआ, अमृत वेला किया कैसा किया, क्या परसेंटेज थी, क्या क्वालिटी थी अमृत वेला की, ऐसे तो नहीं बैठ गए नेमिनाथ बन करके बैठे, अच्छा थोड़ा आलस्य भी कर लिया, थोड़ी सी निद्रा भी आ गई, और हम कहेंगे कि हाँ हमने अमृत वेला किया, लेकिन बाबा उसको नहीं मानते। बाबा क्या कहते हैं, जैसा समय के अकॉर्डिंग जैसा होना चाहिए, समय प्रमाण अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा हुआ, तो बाबा ने कहा तो माना कि आपने पुरुषार्थ किया, समय अच्छा पास कर लिया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बन गया लेकिन वर्तमान के साथ मैंने कितना जमा किया, क्या इतना शक्तिशाली अनुभव किया कि योग में हम बैठे और हमने कहा नहीं, बहुत हमें शक्ति का अनुभव हुआ आज, बाबा ने बहुत हमें टचिंग कराई, बहुत शक्ति का और बहुत सुख का हमने अनुभव किया, तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं चल रहे हैं, सिर्फ ये चेक नहीं करो, किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हम किस स्पीड से चल रहे हैं, हमारी स्पीड क्या चलने की, चल तो रहे ना, जैसे कोई तो धीरे धीरे चलते हैं और कोई को क्या होता है फास्ट चलना है, फास्ट चलना है, तो बाबा ने कहा हमारे पुरुषार्थ की स्पीड क्या है, फास्ट है या स्लो है, ये भी तो चेकिंग करना है ना, क्या चींटी की चाल चल रहे हैं या रॉकेट की चाल चल रहे हैं, रॉकेट की चाल, रॉकेट तो उड़ता है ना, और चींटी क्या करती है, चींटी भी चलती है, लेकिन चींटी की चाल और रॉकेट की उड़ान में कितना फर्क होता है, तो अपने आप से पूछना है कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो,
हम कितनी परसेंट में जमा कर रहे हैं? कितनी परसेंट में हम जमा कर रहे हैं? 5 रुपए भी अगर हम जमा करते हैं तो क्या कहेंगे कि 5 जमा हो गया? जमा तो 5 भी होता है और 500 रुपए भी जमा होता है, तो ज्यादा कौन सा है, 5 या 500? तो यही कहेंगे ना, 500 ज्यादा है और 5 तो बहुत कम है। तो बाबा ने कहा, 5 भी जमा होता, 500 भी जमा होता, लेकिन जमा तो किया, लेकिन कितना हमने जमा किया? तो समझा क्या करना है? गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हैं। ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है, जब से बाबा आए उस समय का ये काउंट कर रहे हैं। गोल्डन जुबली थी, आने वाली थी, तो चेक करो हर बात में। गोल्डन एज अर्थात हमारी सतो प्रधान स्टेज रहती है, सतो है या सिल्वर एज है, कौन सी स्टेज है, सतो प्रधान या फिर कौन सी? पुरुषार्थ भी हमारा सतो प्रधान गोल्डन एज्ड हो। पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए हमारा? सतो प्रधान गोल्डन एज्ड हो। सेवा भी कैसी हो? सेवा भी कैसी हो? सेवा भी कैसी हो? गोल्डन एज हो। जरा भी पुराने संस्कारों की खाद ना हो। अब जो भी बाबा ने कहा, पुराने हमारे